नमस्कार। अंग्रेजी विषय की ग्रामर को मजबूत करने के लिए हमारी ग्रामर प्लेलिस्ट में हमारे साथी जीएस धींगड़ा जी समझा रहे हैं टेंस। तो आज की वीडियो में धींगड़ा जी समझाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं धींगड़ा जी की क्लास। डियर व्यूअर्स, मैं जीएस धींगड़ा चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। विश्वास है मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ मजबूत बनाने में सफल रहूंगा। टेंस सीखने के क्रम में आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या कई बार वाक्य के आखिर में आ है, ई है, ए है, या है, यी है, ये है, इस तरह की शब्दांश आते हैं। आ है, ई है का उदाहरण आपको अगर दूं तो जैसे कि आया है, गया है, पढ़ा है, खेला है, इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं। और या है, यी है, ये है, इस तरह के एग्जांपल भी आपको परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से वह घर चला गया है, उसने पुस्तक पढ़ ली है, ई है की आवाज भी आ सकती है। तो इस तरह की वर्डिंग अपने यहाँ पर रहती है। अब अपने देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस सिचुएशन में प्रयोग होता है। कोई कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है उसके लिए अपने इस टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रभाव अभी वर्तमान पर रहता है। और इस टेंस में जिन एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है वो होती हैं जस्ट, जस्ट नाउ, यट, एज यट, रिसेंटली, लेटली, एवर, नेवर, सो फार, ऑलरेडी, एटसेट्रा। इसमें एडवर्ब्स में जस्ट का मतलब होता है अभी, जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, यट का मतलब होता है अभी भी या अभी तक, एज यट का मतलब भी होता है अभी तक, रिसेंटली और लेट दोनों का मतलब होता है हाल ही में, एवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, सो फार का मतलब होता है अब तक, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। अब अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैटर्न्स को देखते हैं। पहले अपने अफर्मेटिव के पैटर्न को देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का अपने प्रयोग करते हैं और उसके बाद में अपने हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, यानी सेंटेंस का जो हिस्सा बच जाता है उसको अपने आखिर में रख देते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव को रखते हैं और फिर अपने नोट का प्रयोग करते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद भी अगर कोई सेंटेंस का पार्ट बच जाता है तो उसको रखते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है और हैज का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो हैव के प्रयोग के लिए ये याद रखिएगा, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ अपने हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ अपने हैज का प्रयोग करेंगे। अब अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ। इसमें सब्जेक्ट अपने आई है और आई के साथ जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट योर लेटर है उसको रख देंगे और एडवर्ब के रूप में जस्ट नाउ का प्रयोग हुआ है तो उसको अपने आखिर में रखते हैं। जस्ट को अपने बीच में रखते हैं और जस्ट नाउ को वाक्य के आखिर में रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है शी हैज ऑलरेडी बोट कार। इसमें सब्जेक्ट जो है वो शी है और शी सिंगुलर एक प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग अपने हैज का प्रयोग करेंगे और ऑलरेडी जो है वो एक एडवर्ब है और जिसका प्रयोग अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमेशा पहले करते हैं और उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो कि इसमें एक कार है। तो इस पर
प्रकार ये सेंटेंस अपना बन गया, शी हैज ऑलरेडी बोट ए कार। अपने एडवर्ब्स के लिए हमेशा याद रखना है कि कुछ एडवर्ब्स मेन वर्ब से पहले प्रयोग होती हैं और कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के आखिर में प्रयोग होती हैं। तीसरा सेंटेंस जो है वो है वी हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल सो फार। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वी है, वी के साथ जैसा कि आपको नोट में बताया गया है अपने हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद अपने नोट का प्रयोग कर देंगे। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, उसके साथ अपने नोट का प्रयोग किया है। उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और थर्ड फॉर्म के बाद में वाक्य को ऑब्जेक्ट ताजमहल को रख देंगे और आखिर में अपने जो एडवर्ब्स है सो फार उसको रख देंगे, सो फार का प्रयोग आखिर में करते हैं। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है दे हैव जस्ट अराइव्ड एट होम। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है दे, और दे चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ अपने हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने जो एडवर्ब के रूप में जस्ट शब्द आया है उसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग अपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और आखिर में जो इसमें प्लेस दिया गया है उसको रखेंगे। सेंटेंस में अगर प्लेस या मैनर या टाइम आता है तो उसको अपने PMT के क्रम में रखते हैं। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो है आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। तो इस सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट है आई, और आई के अकॉर्डिंग अपने हैव का प्रयोग किया है, उसके बाद में अपने जो इस सेंटेंस की एडवर्ब है ऑलरेडी उसको रखा है, और एडवर्ब के बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है टेकन का, और उसके बाद आखिर में अपने ऑब्जेक्ट के रूप में टी शब्द को रखा है। ये अपने को ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस हो उसमें अपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न देखते हैं। पहले अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें अपने हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग शुरू में करेंगे, उसके बाद में अपने सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो अपने नोट को रखेंगे, और उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई सेंटेंस का पार्ट बच जाता है तो उसको अपने ऑब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। और इसी प्रकार से WH वर्ड से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वाक्य के बीच में कब क्यों कहां इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो अपने WH वर्ड से वाक्य को शुरू करेंगे, और उसके बाद में अपने हैज हैव को रखेंगे, और हैज हैव के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म को रखते हुए आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस और आगे है तो उस पार्ट को अपने सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे। और ये अपने को याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाएंगे। अब अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। पहला एग्जाम्पल है हैव यू रिवाइज्ड योर लेसन। तो इसमें अपने क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा है, सब्जेक्ट के बाद अपने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, और थर्ड फॉर्म के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने इस सेंटेंस को बनाया है, आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है, हैव का प्रयोग यू के हिसाब से अपने किया है। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें चाइल्ड के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग किया है, और क्योंकि चाइल्ड सब्जेक्ट है उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, और उसके बाद में अपने मिल्क जो कि ऑब्जेक्ट है उसको रखा है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया है। इस प्रकार अपना सेंटेंस ये कंप्लीट होता है। थर्ड सेंटेंस अपना हु से शुरू हो रहा है। हु जो है उसको मोस्टली अपने सिंगुलर मानते हैं। अगर उसका इशारा कभी प्लूरल की तरफ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ होता है, या प्लूरल सब्जेक्ट होने की संभावना रहती है तो अपने हु के साथ उसको प्लूरल मानते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हिंट नहीं है तो अपने हु के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अपने हु के साथ में हैज का प्रयोग किया है सिंगुलर मानते हुए, और उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड का प्रयोग किया है, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट द डोर का प्रयोग किया है, और आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है उसको अपने रखा है।
फोर्थ अपना एग्जाम्पल है वाई हैव यू टोन दिस नोटबुक। इसमें स्टार्टिंग में अपने डब्ल्यू एच वर्ड को रखा है क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है वाई से, मतलब क्यों से, और उसके बाद में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग किया है। यू अपना सब्जेक्ट है, यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म टोर्न का प्रयोग किया है। टोर्न जो है टीयर की थर्ड फॉर्म होती है, टीयर मतलब फाड़ना होता है। और लास्ट में अपने दिस नोटबुक शब्द का प्रयोग किया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा अपने इस मार्क का प्रयोग करना होता है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो वेयर से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट इसमें भी यू है। यू के अकॉर्डिंग अपने हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो कि इसमें प्लेस्ड है, और आखिर में अपने ऑब्जेक्ट के रूप में माई पर्स शब्द का प्रयोग करेंगे और इंटरोगेशन मार्क का प्रयोग लास्ट में अपने हमेशा की तरह करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो है हैव द चिल्ड्रन नोट डन देयर होमवर्क एज येट। ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट इसका जो है द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में स्टार्टिंग में हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अपने नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और देयर होमवर्क ये अपना ऑब्जेक्ट है इसको रखेंगे, और आखिर में जो एडवर्ब है एज येट उसका प्रयोग करेंगे। ये अपने ध्यान रहे कि येट और एज येट जब वाक्य में आते हैं तो सेंटेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे कि बोर्ड एग्जाम्स में और एसएससी और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वर्ब की सही फॉर्म भरने संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी एक एक्सरसाइज आपके सामने यहाँ पर दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन। तो मैं सभी सेंटेंसेज एक बार पढ़ता हूँ, तब तक आप इनके आंसर अपने माइंड में सोचिए और उसके बाद मैं फिर इनके आंसर तुरंत बताऊंगा आप। तो पहला सेंटेंस है वी, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद आपके जस्ट एडवर्ब के रूप में दिया है, उसके बाद अपने ब्लैंक दे रखा है और उसके बाद में आवर ओल्ड हाउस और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है सेल। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में शी, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद हर ऑफिस एज येट और ब्रैकेट में जो वर्ब दी है वो नोट रीच दे रखी है, तो अपने को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। थर्ड जो है वो है ही, उसके बाद ब्लैंक दिया है, उसके बाद ऑलरेडी को दे रखा है और फिर ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद में हिज ब्रेकफास्ट ये सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक दी हुई है। ब्रैकेट में जो भी वर्ब दिया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है हु और फिर ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद में हिज होमवर्क एज येट ये सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ है और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है। इससे अपने पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव अपने बनाना है। ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है नोट कंप्लीट। तो आपने सोच लिए होंगे इनके आंसर, अब मैं इनके आंसर आपको बताता हूं। पहला जो अपना सेंटेंस है वो है वी, फिर ब्लैंक है, फिर जस्ट है और उसके बाद में फिर ब्लैंक है और फिर है अवर ओल्ड हाउस और ब्रैकेट में जो वर्ब है वो सेल। तो अपने को हिंट मिल रहा है इसमें जो एडवर्ब जस्ट आई है उससे। इससे अपने को पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें अपने उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे। अगर ब्लैंक एक होगा तो अपने सारी वर्ब एक जगह भर देंगे, अगर दो ब्लैंक होंगे तो पहले ब्लैंक में अपने संबंधित टेंस की अपने हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, जैसे कि इस परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग होता है, वी के साथ अपने हैव का प्रयोग करते हैं तो अपने वी के साथ पहले ब्लैंक में हैव भर देंगे और जस्ट के बाद में सेल की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सोल्ड का, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और दूसरा जो अपना सेंटेंस है वो है शी, फिर ब्लैंक है, हर ऑफिस एज येट और ब्रैकेट में दे रखा है नोट रीच। तो एज येट जो है वो अपनी एडवर्ब है जिससे अपने को हिंट मिल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसके अकॉर्डिंग अपने ब्लैंक में वर्ब भरेंगे। तो अपने को वर्ब दी हुई है नोट रीच और परफेक्ट टेंस में अपने को अगर सीधा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, उसका नेगेटिव बनाना होता है, तो हैज या हैव रखते हुए नोट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट शी है इसलिए अपने हैज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में नोट को रखेंगे और फिर रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड का प्रयोग करेंगे, यानी कि अपने इसमें हैज नोट रीच्ड ये फिलअप करेंगे। थर्ड जो सेंटेंस है वो है अपना ही, उसके बाद में ब्लैंक है,
फिर ऑलरेडी एडवर्ब के रूप में आया है और उसके बाद फिर ब्लैंक है और उसके बाद में अपने हिज ब्रेकफास्ट ये शब्द आया है और ब्रैकेट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वो है टेक। तो ऑलरेडी जो कि एडवर्ब है इससे अपने कन्फर्म होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर वर्ब भरेंगे। सब्जेक्ट इसमें ही है, ही के साथ अपने हैज आता है तो पहले ब्लैंक में अपने हैज भरेंगे और दूसरा जो ब्लैंक है उसमें टेक की थर्ड फॉर्म भरेंगे जो कि टेकन होती है, यानी कि अपने थर्ड सेंटेंस में हैज और टेकन वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले ब्लैंक में हैज भरेंगे और दूसरे में टेकन जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, उसको भर देंगे। के बाद में ब्लैंक दिया है, उसके बाद हिज होमवर्क एज येट दिया हुआ है और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है। अब इसमें जो एडवर्ब आई है एज येट, उससे अपने को कन्फर्म हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये भी अपने को कन्फर्म हो जाता है कि ये नेगेटिव है, ब्रैकेट में नोट दिया हुआ इसलिए भी, और येट का और एज येट का होता भी प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेज में है। तो हु के बाद में अपने उसको सिंगुलर मानते हुए हैज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अपने नोट का प्रयोग करेंगे और फिर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे कंप्लीटेड का, तो अपने ब्लैंक में भरेंगे हैज नोट कंप्लीटेड, क्योंकि ये अपना परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो व्यूअर्स, अब आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज यहाँ पर सामने स्क्रीन पर डाल रखी है, इसको आप सोल्व करके देखना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।